अस्सलाम वालेकुम। प्रैक्टिस क्वेश्चन फाइव आप अभी कर दें, जल्दी जल्दी है, लिख के करना, लिख के कर दें, जबानी करना, आप कर दें। प्रैक्टिस क्वेश्चन फाइव आप लोग कर दें, लिख के करना है, जबानी देखना है, आपकी मर्जी। सॉल्यूशन कर लिया, पास पेपर का मैं कराऊंगा इसके बाद, अभी प्रैक्टिस क्वेश्चन फाइव का है। मैंने तो अलग से ही दिखाते, रिक्वायरमेंट के दो अलग अलग सिनेरियो हैं। Thank you.
हाँ जी, कोई सवाल, इतराज, परेशानी? पार्ट ए, पार्ट वन पूछ रहे हैं, पार्ट टू पूछ रहे हैं। अब पार्ट वन है कि इनको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए खरीदा है, यानी फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। ठीक है, पूछें। ट्रांजेक्शन कॉस्ट फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में कैपिटलाइज तो नहीं करते? फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पार्ट वन है, जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है ये एज इट इज एक्सपेंस बन गया, और इन्वेस्टमेंट कितने से डेबिट की, पार्ट वन। प्रैक्टिस क्वेश्चन फाइव कहा था अभी करने को, पहले रिक्वायरमेंट वन बता रहा हूँ जिसमें फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल है। कैसे पता फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल है? क्योंकि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए खरीदे, तो इसमें इन्वेस्टमेंट पहले दिन डेबिट हुई होगी 10 मिलियन शेयर्स इंटू 25.5, और जो इसमें 50 पैसे का फर्क आया वो पीएनएल में जाएगा, और ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी पीएनएल में जाएंगे। फिर डिविडेंड इनकम है ये भी पीएनएल में आएगा, और जो इस 25.5 से ईयर एंड पे बढ़ा के 28 तक जाने का गेन है वो भी पीएनएल में आएगा। और बैलेंस शीट में जो ईयर एंड की इन्वेस्टमेंट है वो बैलेंस शीट में एसेट्स में आ जाएगी। ये है फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। इस पे कोई एतराज, परेशानी, तकलीफ? फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, सिर्फ इतना फर्क पड़ेगा, सिर्फ नहीं मतलब फर्क पड़ेगा कि एक तो इनिशियली इन्वेस्टमेंट 25.5 प्लस ट्रांजेक्शन कॉस्ट, ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी शुरू में कैपिटलाइज होगी, और फिर जो डिफरेंस 50 पैसे का है वो तो अब भी पीएनएल में जाएगा, डिविडेंड इनकम अब भी पीएनएल में जाएगी, और ईयर एंड पे इनिशियली 10 मिलियन शेयर्स इंटू 25.5 प्लस 15 मिलियन, ये इनिशियल रिकॉर्डिंग हुई, और ईयर एंड पे 10 मिलियन शेयर्स इंटू 28 रुपये, तो इनका डिफरेंस ओसीआई में जाएगा। जी, अगर डिविडेंड परसेंटेज में होता तो फेस वैल्यू जरूर दी होती, क्योंकि डिविडेंड लगता ही फेस वैल्यू पे, तो जरूर दी होती, ना दी हो तो 10 रुपये अज्यूम कर ले। और ये जो गेन है ये ओसीआई में जाएगा, और क्योंकि पहला ही साल है तो यही फेयर वैल्यू रिजर्व बैलेंस शीट में इक्विटी में आ जाएगा। जी, कोई सवाल? एडजस्ट हो गई से क्या मुराद है? पहले 25 का शेयर था प्लस 15 मिलियन, अब वो 25 वाला शेयर ही बढ़ गया 28 में, तो इससे वो हमारा गेन होना चाहिए था, वो 15 मिलियन से कम हो। बिल्कुल सही है, यानी वो जो गेन होना चाहिए था 15 उसमें से नेट हो गया, और वो नेट हो गया ओसीआई में आ गया। चले पास पेपर्स वाले सेक्शन में आए और क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ने में करता हूँ। पास पेपर्स वाले सेक्शन में आए, काफी आगे होगा। पास पेपर्स वाले सेक्शन में आए, काफी आगे होगा, क्योंकि 5 तो सेट्स से हैं। क्वेश्चन नंबर, मैंने कहा है क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ लें, पास पेपर्स में आके क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ लें। जी हाँ जी, कैंगू केएल। अच्छा, इसमें मुझे आईकैप के सोल्यूशन से शदीद इख्तलाफ है, आप में से अगर कोई जानना चाहे आईकैप का सोल्यूशन देख ले, उसको इख्तलाफ ना हो तो मुझसे वो अलग से ज़रूर डिस्कस कर ले। मैंने बारह पीछे चेंज अपना सोल्यूशन किया है जो मेरे इल्म के मुताबिक था, आईकैप वाले से इख्तलाफ था मुझे, तो कोई अगर जानना चाहे देखना चाहे तो उसकी मर्जी है, वो देखे सोल्यूशन और मुझसे बात कर ले कि एतराज़ सही है मेरा क्या गलत है। सवाल पढ़ने में करता हूँ बोर्ड पर। पास पेपर्स वाले सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 7, केंगरू लिमिटेड जून 2018, सारा पढ़िएगा, यानी सिर्फ ये जो पहला हाफ है ये IS 21 का है जो कल तक कर दिया था, और जो सेकेंड हाफ है वो ये IFRS 9 का है, लेकिन IS 21 की भी चलें बीच में प्रैक्टिस आ जाएगी, तो पूरा पढ़ ले मैं करता हूँ बोर्ड पे।
जी पढ़ लिया एक्सट्रैक्ट्स ऑफ एसओ एफपी और एसओसीआई मांगे में और कंपैरेटिव का रहने दो, चलो शुक्रिया नहीं बनाते। अब इसमें दो टॉपिक्स आ गए तो तरीका यही है कि आप अलग अलग सॉल्व करें, हेडिंग एक होगी एक्सट्रैक्ट्स ऑफ एसओ एफपी या तो सीआई, लेकिन एक वक्त में एक आईएस सॉल्व कर लें वरना आप इसमें मिक्स हो जाएंगे तो फिर मुश्किल है। तो पहले आईएस 21 का पोर्शन करते हैं, हेडिंग एक ही दे लेते हैं बड़ी सी, लेकिन पहले आईएस 21 वाला पोर्शन कर लेते हैं। जी जी क्या 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 ठीक है, अगर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता तो एवरेज लिया जा सकता है, कंपनी की मर्जी है, कंपनी में कोई जबरदस्ती नहीं है। आईएस 21 में एक बात की थी कि अगर एवरेज रेट कंपनी यूज करना चाहे तो कर सकती है, लेकिन ये लाजमी नहीं है। तो सवाल वाला कहेगा तो एवरेज यूज करना है। आईएस 21 पार्ट ए, एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदी और इसमें वो इफरिक 22 भी आ गया, क्या बोला एडवांस वाला। अच्छा इसको ना पहले तसल्ली से प्लान करके सोच लें फिर कैलकुलेशन करते हैं। अब इसमें एसओएफपी की क्या क्या चीजें होंगी, सिर्फ मैं इस वक्त पहले हाफ ऑफ क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। एसओएफपी का क्या क्या होगा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होगी और हर ईयर एंड पे उसको फेयर वैल्यू पे अपडेट करना होता है, तो एसओएफपी की चीज आ जाएगी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। किसी के सवाल का दे रहा था एक तो नॉन करंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आ जाएगी। अच्छा और एसओसीआई में क्या क्या आएगा, पहले सवाल प्लान कर रहा हूं ना उसके बाद फिर इसकी कैलकुलेशन करेंगे। और एसओसीआई में क्या क्या आएगा, अच्छा एक जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है तो फेयर वैल्यू गेन लॉस आएगा और एक्सचेंज गेन लॉस तो अलग से नहीं आएगा ना, वो तो उसी में जाएगा, लेकिन फिर भी एक्सचेंज गेन लॉस आ सकता है जो अभी अगर नहीं भी समझ आ रहा तो वो मैं ले आता हूं माइंड पे। रेंट इनकम होगी और फेयर वैल्यू गेन लॉस होगा। चले ठीक है कैलकुलेशन करते हैं, पहले आसान आसान चीजें कर लेते हैं। रेंट इनकम कितनी, रेंट इनकम $0.24 million और ये मिले हैं 1 सितंबर को और वो मिल गए हैं पूरे के पूरे 12 महीने के, जबकि हम 31 दिसंबर 2017 पे खड़े होके 4 महीने को इनकम बनाएंगे, तो बाकी 8 महीने लायबिलिटी, तो बाकी 8 महीने हो जाएंगे लायबिलिटी। एक आ जाएगा एडवांस रेंट के नाम से लायबिलिटी और एक हो जाएगी रेंट इनकम, तो 0.24 million में से 4 महीने इधर और 8 महीने इधर, और रुपए का रेट कौन सा लगाऊं,
फर्स्ट सितंबर वाला या ईयर एंड पे अपडेट करना है? इनकम तो चलो ठीक है, 10 वाली लगा देता हूँ, 110। तो इसको क्या ईयर एंड पे अपडेट करना है? नहीं, क्यों? क्या ये मॉनेटरी लायबिलिटी, पैसे पे करने हैं किसी को, तो इधर भी 110 ही लगेगा। मॉनेटरी आइटम होती तो अपडेट करते, तो मॉनेटरी आइटम नहीं, एडवांस रेंट मॉनेटरी आइटम नहीं है, कैश नहीं वापस करना किसी को, वो तो सर्विसेज देनी है, तो इसके ये नॉन मॉनेटरी आइटम है तो उसकी अपडेशन नहीं होनी। इसके इनकम में भी 110 और यहां भी 110। अमाउंट क्या बनी ये इधर? इधर 17.6 और यहां 8.8। जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, कंपनी की मर्जी है। देखें एवरेज रेट किस पे यूज करें, इनकम एक्सपेंसेस पे अगर, तो पहले कैश में किया है को रेंट वाला सवाल, रेंट वाला, रेंट रेंट तो वाला भी साथ साथ ही किया था और उसको एवरेज रेट लगाया था। नहीं नहीं सीरियसली एवरेज रेट क्यों? अच्छा क्या एंट्री होगी? एडवांस रेंट पे कौन सा रेट लगाऊं, ईयर एंड वाला? चलो अब देख लेते ना, अभी अब सवाल ठीक है, आपने सवाल पूछा जवाब दे रहा हूँ। अब एडवांस रेंट आ गया ना, तो इस पे कौन सा रेट आया, इस पे भी एवरेज लगा दूं? रिसीवेबल होता, रिसीवेबल होता तो वो मॉनेटरी आइटम होती, उस मॉनेटरी आइटम को फिर हम अपडेट करते। हाँ फिर ऐसा कर सकते थे कि वो जो फॉर द ईयर की हम इनकम बनाते उसको कर सकते थे कि आप एवरेज रेट लगा लें, कर सकते थे, नहीं तो हम ईयर एंड पे रिसीवेबल बना रहे होते तो ईयर एंड वाला रेट लगा लेते। देखें एवरेज रेट लेना जो है ना वो कोई ज़बरदस्ती नहीं आई इसकी तरफ से, कंपनी की मर्जी है अगर वो चाहे तो। तो अगर आपको डेट्स देनी है तो बस ठीक है, डेट्स देनी है। नहीं नहीं कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, रेंट से रिलेटेड कोई एतराज, मुश्किल परेशानी और इससे रिलेटेड एसओसीआई या पीएनएल में क्या आएगा, रेंट इनकम आ गया और फेयर वैल्यू गेन। फेयर वैल्यू गेन लॉस के लिए आपको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की पहले दिन की वैल्यू और फिर ईयर एंड की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इनिशियल कॉस्ट कितनी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की इनिशियल कॉस्ट कितनी, कब खरीदी थी प्रॉपर्टी? अगर एडवांस ना दिया होता तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट करनी बनती थी कब? फर्स्ट जुलाई को, क्योंकि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का पोजेशन भी और टाइटल भी फर्स्ट जुलाई को ट्रांसफर हुआ है, तो हमारी प्रॉपर्टी बनी ही फर्स्ट जुलाई को है। अगर ये एडवांस वाला मामला ना होता तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फर्स्ट जुलाई को डेबिट होती फर्स्ट जुलाई वाले रेट पे, लेकिन एडवांस आ गया तो अब क्या फर्क पड़ेगा, जो एडवांस वाला पोर्शन है उस पर वो एडवांस वाला रेट, बाकी के ऊपर फर्स्ट जुलाई वाला रेट। तो एडवांस वाला पोर्शन कितना था? 10%, यानी इसमें से 10% के ऊपर फर्स्ट मई वाला रेट और बाकी 90% के ऊपर फर्स्ट जुलाई वाला रेट। अब अगर किसी को 90% पे एतराज है कि 70%, तो मैं एंट्री बना के दिखाता हूं। पहले जब एडवांस दिया होगा, इस सवाल में आपको एंट्री बना के करने की जरूरत नहीं है, अगर जो मैंने 10 और 90 वाली बात बोली है समझ आ गई तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको एंट्री बना के दिखा रहा हूं। जब एडवांस दिया होगा फर्स्ट मई को, तो एडवांस डेबिट किया था, कैश क्रेडिट किया था कितना? 0.26 मिलियन, 10%, और उस वक्त रेट था 100, तो 26। फिर उसके बाद फर्स्ट जुलाई को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, लेकिन इसकी अमाउंट अभी नहीं, पहले एडवांस क्रेडिट यही वाला, फिर जो उसी वक्त पैसे दे रहे हैं 70%, 2.6 मिलियन का 70%, लेकिन
फर्स्ट जुलाई वाला रेट 105 1.1 और एंट्री पूरी हो गई नहीं, ये 10% है, ये 70% है, तो बाकी 20 पे करना था वो पेएबल, और पेएबल चूंकि अभी रिकॉर्ड हो रहा है तो उसके ऊपर भी यही 105 वाला रेट 54 पॉइंट, तो प्रॉपर्टी टोटल डेबिट हो गई 271.7। तो अगर आपको एंट्री करके समझ आता है आप वर्किंग में एंट्री कर लें, अदरवाइज 10% एडवांस था तो उस पर एडवांस वाले दिन का रेट, और बाकी 90% चाहे कैश पे हो रहा है चाहे पेबल बन रहा है, लग तो दोनों पे 105 रहा है, तो 90% के ऊपर 105 और 10% के ऊपर 100। तो एंट्री बना के करना है, एंट्री बना के कर लें, नहीं तो ब्रैकेट भी काफी है कि 2.6 में से 10% पे 100 रुपए और 2.6 में से 90% पे 105। ये आ गई इसकी इनिशियल कॉस्ट कितनी, प्लस 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 271.7। और ईयर एंड की फेयर वैल्यू, ईयर एंड की फेयर वैल्यू 2.5 मिलियन डॉलर्स, और रुपए कौन से लगाऊं, क्यों, क्योंकि मॉनेटरी आइटम है इसलिए ईयर एंड वाला रेट लगाना है, फिर नॉन मॉनेटरी आइटम है और फेयर वैल्यू ईयर एंड की है इसलिए एक्सचेंज रेट भी ईयर एंड वाला 1.16290। अब देखिए डॉलर में देखेंगे ना तो लॉस नजर आ रहा है, लेकिन रुपए में चूंकि हमने IAS 21 लगाना, सॉरी पहले IAS 21 लगा के रुपए में ले आना है उसके बाद IAS 40 लगाना है, तो वो गेन नजर आ रहा है 18 पॉइंट, ये गेन आ रहा है। और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू मॉडल का गेन PNL में आता है, ये फेयर वैल्यू गेन आ गया। और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आ जाएगी 290 पे, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वाला सारा सेगमेंट पूरा हो गया या अभी कुछ रहता है, पेएबल मॉनेटरी आइटम है, पे तो नहीं हुआ, पे तो किया जाके कब, नहीं सॉरी पे कर दिया लेकिन पे किया जाके महीने बाद, तो जो पेएबल बनाया था और फिर जब सेटल किया तो फिर एक्सचेंज डिफरेंस आ गया, पेएबल बनाया था 105 पे और जब पे किया होगा तो उस वक्त 108 हो गया था, तो ये आ गया लॉस, तो ये एक्सचेंज लॉस है पेएबल का जो कि पीएनएल में आएगा। $2.6 मिलियन का 20% पेएबल बनाया था जिसपे 3 रुपए का लॉस आया, पेएबल पे 3 रुपए का लॉस कितना 1.56। अच्छा इतना बड़ा मसला नहीं है वैसे, लेकिन अगर आप हैंडल कर सकें तो बेशक कर लें, SOCI है तो जो इसमें एक्सपेंसेस हो उनको ब्रैकेट लगा, जो इनकम्स है उनको पॉजिटिव रख लें, लेकिन ये इतना बड़ा मसला नहीं है, आप नाम क्लियरली लिख देना, जैसे पता ये इनकम है, इनकम है एक्सपेंस है, तो नाम क्लियर लिख दें तो ब्रैकेट की खैर है। ये हो गया जी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वाला सारा पोर्शन सॉल्व, इसकी सारी फिगर्स चेक कर लीजिए, इसमें कुछ भी जरा सी भी कंफ्यूजन है तो पूछिए। है थोड़े अच्छे नंबर, हाँ क्या क्या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी सिलेबस में नहीं है तो फिर जो पहले पढ़ा है वो सब का सब टेस्ट हो सकता है किसी भी टॉपिक में मिक्स हो गया, हाँ उतना डिटेल नहीं होगा लेकिन बिल्कुल हो सकता है, तो ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 6 नंबर की टेस्टिंग हो सकती है, लेकिन सिर्फ IAS 40 की टेस्टिंग नहीं है ये, इसमें IAS 21 भी है, तो वो तो है सिलेबस में, क्योंकि IAS 21 अगर टेस्ट होगा तो किसी ना किसी चीज पे तो होगा ना, अब अगर वो इन्वेंट्री पे होगा तो वो तो नहीं IAS 20 सिलेबस में नहीं है, वो हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का पोर्शन डन, फाइनेंशियल एसेट्स, फाइनेंशियल एसेट्स इसमें आ रहे हैं इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स,
इन्वेस्टमेंट इन ए फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल और इन्वेस्टमेंट इन बी फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। अच्छा अब ये भी मैं आपको कहूंगा कि दोनों को अलग अलग लीजिए, क्योंकि फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल की अकाउंटिंग और है, ओसीआई की और है, दोनों को साथ चलाएंगे तो कंफ्यूजन होगी। पहले मैं इन्वेस्टमेंट ए का सवाल सॉल्व करता हूं। इन्वेस्टमेंट ए इनिशियली खरीदा होगा, तो चूंकि फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल है तो जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है वो पीएनएल में आएगी। इन्वेस्टमेंट ए कर रहा हूं पहले, कितनी थी? दो मिलियन। फेयर वैल्यू का ही खरीदा था या डिफरेंट पे खरीदा था? हाँ जी, इतने का ही खरीदा होगा आपने। अगर फेयर वैल्यू डिफरेंट होती तो बता देते। ये तो हो गए इनिशियल जिसमें ट्रांजेक्शन कॉस्ट पीएनएल में आ गई। अब सब्सिक्वेंट क्या क्या होगा? एक तो इससे मिला डिविडेंड, वो आएगा पीएनएल में। कितना? और फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल बेच भी रहे हैं और जो रिमेनिंग ईयर एंड पे रह रही है उसको अपडेट भी कर रहे हैं। पहले बेचने वाले की बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट ए, इन्वेस्टमेंट ए की इनिशियल कॉस्ट कितनी रिकॉर्ड की हमने? 100, क्योंकि 2 मिलियन तो डाल दिया पीएनएल में। इसमें से बेच कितने दिए? 20%। कितने के बेचे? तो बेचे हैं 23 के, नहीं 23 के नहीं बेचे, 20. ये क्या किया? बेचते हुए 2% खर्चा भी आ गया ना। ट्रांजेक्शन कॉस्ट वॉज पेड एट 2% है? नहीं नहीं बताता हूं। इतने के बेच दिए और जब इतने के बेचे तो नेट क्या बना? 20.5, जबकि इन बेचने वाले की बुक वैल्यू क्या थी? 22.54 है। कितनी बुक वैल्यू वाले थे जो बेचे? 20, तो इन पे 2.54 का गेन आ गया। अच्छा आप देखिए, ये है फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल, तो डी रिकॉग्निशन के ऊपर अपडेट करना था, वो फेयर वैल्यू गेन लॉस भी पीएनएल में जाना था, और फिर बेचते हुए मजीद कोई गेन लॉस होता वो भी पीएनएल में जाना था। तो इनको बेशक बेचते हुए अपडेट ना करें, जो ओसीआई वाले ना उनको जरूर अपडेट करना है, क्योंकि जो बेचते हुए फेयर वैल्यू पे अपडेट करने का गेन लॉस है वो ओसीआई में जाना है। और जब डी रिकॉग्निशन पढ़ा दूंगा, बल्कि अभी सवाल करते करते जबानी हो ही जाएगी, जो डी रिकॉग्निशन मैंने आपको सेट 3 रखा हुआ, शायद मैंने आगे सेट 3-4 में से कहीं रखा हुआ, 3 है शायद, तब बता दूंगा ये बात कि जो बेचते हुए पर प्रॉफिट लॉस होता है वो प्रॉफिट लॉस होता है। तो अगर इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल वाली है, बेचते हुए अपडेट करना था वो भी पीएनएल में जाना था, और जितने का बेचते उस पर जो असल में प्रॉफिट लॉस आना था वो भी पीएनएल में जाना था, तो फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल वाली इन्वेस्टमेंट को अपडेट करने पर टाइम जाया ना करें। सिंपली जितने का बेचा बुक वैल्यू, जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट या लॉस। ओसीआई वाले को तोड़ूंगा मैं, कुछ भी समझ नहीं आया, कुछ भी नहीं, मतलब सारा कुछ दोबारा पढ़ाऊं, सारा सवाल दोबारा, सिर्फ ये वाला पोर्शन, ये 100 ठीक है। इन्वेस्टमेंट ए फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल है कि फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई? फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल है। मैं ओसीआई वाली बात अभी नहीं बोलता, वो मिक्स हो जाएगा, मैं पीएनएल वाली बात बोल रहा हूं। अभी इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल वाली में पढ़ा के अभी बात की थी कि इसको हर ईयर एंड पे भी और ऑन डी रिकग्निशन भी फेयर वैल्यू पे अपडेट करना है। और डी रिकग्निशन जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, अभी बता ही रहा हूं, वैसे बाद में भी बता दूंगा, कि जब कोई भी फाइनेंशियल एसेट बिकेगा तो किसी भी आम एसेट की तरह इसको बेचते हुए गेन लॉस हो सकता है, वो पीएनएल में जाता है। ये डी रिकग्निशन पढ़ाते हुए हम पढ़ते हुए दोबारा देखेंगे, मैंने अभी सवाल में था तो अभी जबानी बता दिया।
चूंकि ये इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल है तो इसको बेचने से जस्ट पहले अपडेट करना था वो गेन लॉस भी पीएनएल में जाना था, और बेच देने के बाद जो गेन ऑन डिस्पोजल लॉस ऑन डिस्पोजल होना था वो भी पीएनएल में जाना था। तो इसलिए इस पर नहीं टाइम जाया करेंगे बेचने से जस्ट पहले अपडेट करने पे, इसको सिंपली बस बेचने का गेन लॉस निकाल लेंगे। तो वो मैंने गेन लॉस निकाल लिया, और ये हुई है बात उनकी जो बेचे हैं। अब बात आ गई ईयर एंड पे जो अपडेट करने हैं। बेचने वाला लिख देता हूं, हाँ वर्किंग पूरी कर लो, इनमें से 20% बेच दिए ये उनके ऊपर गेन, और जो बाकी 80% रह गए उनको ईयर एंड पे अपडेट करना है। तो उनको अपडेट किस पे करना है, फेयर वैल्यू पे कि फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे, फेयर वैल्यू पे। तो उनकी फेयर वैल्यू दी हुई है नीचे टेबल में 105, इसमें से 2.1 लेस कर दूं, नहीं बस फेयर वैल्यू 10, और इनकी बुक्स में वैल्यू कितनी है जिसको अपडेट करना है 80। तो बेचते हुए तो ये खर्चा कंसिडर हुआ, लेकिन ईयर एंड के ऊपर हमने अपडेट फेयर वैल्यू पे करना है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे नहीं करना। तो इसके ऊपर कोई काम नहीं ट्रांजेक्शन कॉस्ट का। तो ये भी पीएनएल में और ये भी पीएनएल में जी। क्या 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 वो जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हुए पेज 4 के टॉप पे पढ़ो जरा क्या है वो आगे। हाँ, जब फाइनेंशियल एसेट्स की मेजरमेंट कर रहे होंगे ईयर एंड पे तो फिर सेलिंग खर्चे नहीं उस मेजरमेंट के अंदर लेने, वो तो बेचते हुए होंगे ना। वो जो ईयर एंड की मेजरमेंट करनी है उसमें बस फेयर वैल्यू पे मेजरमेंट करनी है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे नहीं करनी। इन्वेस्टमेंट ए, अब इसमें से इन्वेस्टमेंट ए का जो बेचने का प्रॉफिट है वो भी यही, और वो जो फेयर वैल्यू गेन है इस पे वो भी यही। और नॉन करंट एसेट्स में तो इसको लिखना मुनासिब नहीं है, करंट एसेट्स ठीक है। वैसे फाइनेंशियल एसेट्स की एक अलग ही लाइन होती है, लेकिन इतना कोई बड़ा मसला नहीं है कि आप उसको करंट एसेट्स में लिखेंगे नॉन करंट में। तो इन्वेस्टमेंट ए हो जाएगी 105, साथ फिर बी ऐड करके तो जाएंगे। ये इन्वेस्टमेंट ए हो गई पूरी है? नहीं, लॉन्ग टर्म हेल्थ और ट्रेडिंग नहीं है का मतलब ये नहीं है कि 25 साल बाद ही बेचेंगे, वो मजबूरी हो भी सकती है, क्या पता बेच दें। नॉन करंट वो होता है जो पता होता है कितने साल तक रखने हैं, तो क्या पता इसको हम अगले साल बेचना पड़ जाए। तो इसलिए करंट में लिखने में कोई मसला नहीं है। इन्वेस्टमेंट ए बीबीसी पैटर्न पे होना है बस, तो इसलिए आधी से ज्यादा बात तो समझा दी है जी। ये मैंने इसमें कर दिया ना, इसको 23 की जगह 22.5 कर दिया, वो इसमें कवर हो गया ना, इसमें कवर हो गया। अगर ये 23 लिखता तो प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल 3 मिलियन आता और 2% इस पर खर्चा आता, तो मैंने नेट करके ये 2.5 बना लिया। नहीं नहीं नहीं, अलग लिखना है, लिखते हैं अलग, लिख सकते। इन्वेस्टमेंट ए डन, इन्वेस्टमेंट बी
हाँ तो बताना था ना यार, इन्वेस्टमेंट बी इनिशियली कितने पे रिकॉर्ड की होगी? चूंकि फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई है तो सार ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी कैपिटलाइज हुई होगी 153। फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई है इसलिए ट्रांजेक्शन कॉस्ट कैपिटलाइज। फिर इसमें से जो बेची उनको फेयर वैल्यू पे अपडेट किया होगा, कितनी फेयर वैल्यू थी नहीं पता, तो जितने की बेची वो फेयर वैल्यू ही होगी। बेचते हुए फेयर वैल्यू कितनी, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल नहीं, फेयर वैल्यू जो बेची वो कितने रुपए की बेची, 50 की, जबकि इनकी बुक्स में वैल्यू कितनी थी, 45.9। तो इनके ऊपर गेन आया 4.4। फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई वाली इन्वेस्टमेंट ईयर एंड पे भी अपडेट करते हैं और ऑन डी रिकॉग्निशन भी अपडेट करते हैं। अपडेट फेयर वैल्यू पे के फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे, फेयर वैल्यू पे। तो ये वो अपडेशन वाला गेन है, ये कहां जाएगा, ओसीआई में जाएगा। जस्ट इस अपडेशन के बाद बेच दी तो बेची चुके इतने की, लेकिन खर्चा आ गया तो वो जो खर्चा आया वो लॉस ऑन डिस्पोजल। दोबारा सुने, इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई वाली है, इसको अपडेट करना होता है डी रिकॉग्निशन के टाइम पे भी और ईयर एंड पे भी। डी रिकॉग्निशन पे जब अपडेट करेंगे तो फेयर वैल्यू पे अपडेट करेंगे या फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे, तो फेयर वैल्यू पे कर दिया अपडेट, जो गेन हुआ ये ओसीआई में जाएगा। इस अपडेशन के जस्ट बाद ये हमारी बुक्स में इसको हमने कितने पे अपडेट कर दिया, 50 पे। बेचेंगे कितने का, 50 का ही, लेकिन खर्चा भी हो जाएगा, तो वो जो खर्चा हो जाएगा वो एक्सपेंस है, वो हमारा लॉस हो जाएगा। इतनी अजीब बात तो नहीं कर रहा मैं, बच्चों वाली बात है ना। जो 50 पे अपडेशन की है ये फेयर वैल्यू पे अपडेट किया है कि फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल किया है, फेयर वैल्यू पे। वहां ऐसा क्यों नहीं किया था, करने को यहां भी कर सकता था, लेकिन यहां पर हमने जो अपडेशन का गेन लॉस निकालना था वो भी पीएनएल में ही जाना था, और फिर बेचते हुए जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट आनी थी वो भी एक्सपेंस ही होना था, तो इसलिए मैंने नेट एक ही कैलकुलेशन कर ली। लेकिन यहां पर अपडेशन वाला गेन ओसीआई में जाना, बेचते हुए जो खर्चा वो ओसीआई में नहीं जाना, फेयर वैल्यू पे अपडेट करने का जो गेन है वो ओसीआई है। तो इसलिए यहां पर पहले इसको फेयर वैल्यू अपडेशन की, और जो बेचते हुए ट्रांजेक्शन कॉस्ट आनी है वो अलहदा से एक्सपेंस बनाऊंगा। कितनी आई 50 का, ये ओसीआई में ले जाएंगे, ये पीएनएल में आएगा। नहीं जा, नहीं सुन रहे, इसको पीएनएल में क्यों लेके जाएं, इसको ओसीआई में क्यों लेके जाएं? कौन सा गेन लॉस, फेयर वैल्यू गेन लॉस, तो ये फेयर वैल्यू का तो इससे तो कोई ताल्लुक नहीं है, फेयर वैल्यू तो 50 है। हमने फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई वाले को फेयर वैल्यू पे अपडेट करना है, और वो जो फेयर वैल्यू पे अपडेट करने का गेन लॉस है वो ओसीआई में जाना है। ये फेयर वैल्यू तो नहीं है ट्रांजेक्शन कॉस्ट, ये तो जब एक्चुअली बेचा तो इतना खर्चा आ गया, अब ये ओसीआई में नहीं जाना बनता, इसलिए पीएनएल में जा रहा है। ये वो हैं जो उनको बेचा, और जो ईयर एंड पे बाकी बच गए उनको फेयर वैल्यू पे अपडेट कर देते हैं। कितनी फेयर वैल्यू, 130, जबकि बुक्स में वो कितने पे हैं, 153 का 107.1, 22.9। अब यहां से चीजें वहां समेट लेते हैं। बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कितनी आएगी,
130 फेयर वैल्यू पे अपडेट कर दिया 130 पे, तो बैलेंस शीट में आ गई 130। टू थ्री फाइव, और ये भी और ये भी OCI में, और ये OCI में आ जाएगा फेयर वैल्यू गेन ऑन बी कितना 4.18 और 22.91 27। और ये पहला साल है, यही OCI फेयर वैल्यू रिजर्व का बैलेंस आ रहा होगा। ये था सवाल। डिविडेंड किधर गया? उसका डिविडेंड रह गया 9 है ये डिविडेंड। अच्छा, फेयर वैल्यू रिजर्व में 27 भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, और इसकी जगह पर सिर्फ 22.9 भी लिख सकते हैं, क्योंकि डी रिकग्निशन में पढ़ाऊंगा कि जब इन्वेस्टमेंट बेच देंगे तो जो उसका रिजर्व रखा हुआ था वो रिटेन अर्निंग को ट्रांसफर कर देंगे, तो इसलिए, लेकिन वो कंपनी की मर्जी होती है, तो जो बेचा उसको ट्रांसफर कर दिया रिटेन अर्निंग में, तो फिर सिर्फ ये रह गया रिजर्व में, और नहीं ट्रांसफर किया तो बस ये रह गया। बस जी, इतनी सी बात थी। संडे को कराऊंगा ये इन्वेस्टमेंट जो दूसरे के डिबेंचर दो है, पूरा दिन जाया हो जाता है। चले अभी दुकान बंद करके दोबारा बात करते हैं। अच्छा, इंसान के एक्शंस की अगर एक बाउंड्री लाइन बनाए ना, तो अदल फर्ज है, अदल करना, इंसाफ करना फर्ज है, क्योंकि जो अदल नहीं करेगा तो फिर वो गुनाहगार हो रहा है। किसी भी मामले में अदल फर्ज है, अदल से नीचे वाला एक्शन जुल्म है, अदल नहीं है तो जुल्म है, और अदल से ऊपर वाला एक्शन एहसान है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर एक मजदूर से सर्विस ली और उसके साथ एक फेयर रेट तय हुआ, और वो रेट पहले तय करना ज़रूरी होता है शरीयत में, जो सर्विस ली जानी है, चीज़ें ली जानी है, उसका रेट पहले तय होना चाहिए। मजदूर के साथ तय हो गया कि ये काम जो है ये 2 दिहाड़ियों का है और इस बात के तुम्हें 4,000 रुपये मिलेंगे। अब ये रेट उसके 2 दिन की सर्विस का तय हो गया, उसकी इस सर्विस लेने के बाद 4,000 रुपये देना, या फिर 4,000 रुपए की ही जो तय सर्विस है वही लेना, ये अदल है। लेकिन अगर उसको एक्सप्लॉइट करके 4,000 का रेट तय करके जो काम तय किया उससे ज्यादा काम लेना शुरू कर दिया बगैर पैसे के, ये जुल्म होना शुरू हो गया, या पैसे जान के काट लिए, जुल्म की तरफ चले गए। और अगर ऊपर चले जाते हैं, जो रेट तय था 4,000 रुपए वो रेट तय है लेकिन पैसे पे करते हुए 4,500 दे दिए, ये एहसान हो गया, यानी ये हमने एक्स्ट्रा कर दिया उसके लिए। तो अदल फर्ज है, एहसान बहुत बड़ी नेकी है,
जुल्म गुनाह है। अब जुल्म जो है ना वो हम बचपन से जिस तरह से ये अल्फाज कभी सीखे होते हैं तो जुल्म का लफ्ज़ हमें सिर्फ एक्सट्रीम ही बताता है, यानी हमें शायद लगता है जुल्म यही है कि काट दिया, मार दिया, जला दिया, सिर्फ यही जुल्म नज़र आ रहा होता है। हालांकि जुल्म किसी भी काम के अंदर अदल से नीचे वाला जुल्म है, उसकी इतनी इंपॉर्टेंस है। मैं आपको जो अभी हदीस सुना रहा हूँ वो बज़ाहिर बहुत छोटी सी बात लगेगी, लेकिन बाउंड्री क्रिएट की गई है कि ये भी किया तो जुल्म में आ रहा है। हाँ होगा बहुत थोड़ा सा, लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा की इंसान फिक्र करनी छोड़ दे तो कल को बड़ा जालिम भी बन जाएगा। अब इस हदीस को मैं सुना तो रहा हूँ लेकिन आप लोग ना अपने आर्टिकल्स में इसको पूरा अप्लाई करिएगा, जुल्म की कैटेगरी को पूरा अप्लाई अपने आर्टिकल फेज में करना, जिसमें आपके जूनियर्स भी शामिल होंगे, जिसमें वो क्लाइंट भी शामिल होगा जिनसे आप काम ले रहे होते हैं, जिनका आपकी ऑफिस का लोअर स्टाफ भी शामिल हो सकता है। बुखारी 2489 है, बहुत मामूली सी दिखने वाली बात, लेकिन आपको ये इससे मैं ये चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, पहुँचाना चाह रहा हूँ कि कितनी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना चाहिए, अगर ना रखें तो फिर वो बड़ी बन जाएंगी और हमें फिक्र भी नहीं होगी। सही अपने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स दो दो खजूरें एक साथ मिलाकर ना खाए। इसको मैं यहाँ रोके एक और मिसाल समझाता हूँ। एक प्लेट में तीन लोग खाना खा रहे हैं, उस प्लेट के अंदर बोटियाँ भी तीन हैं, तो इंसाफ का खाना ये होगा कि एक एक बोटी पर हेड, एहसान का खाना ये होगा कि हम एक से कम बोटी खा लें या खाएं ही ना, और जुल्म का खाना ये होगा कि हम एक से ज़्यादा बोटी खा लें। अब ये भी जुल्म ही है, जुल्म सिर्फ बंदे मारना नहीं है, ये भी जुल्म की कैटेगरी है। अब इसी को हदीस में मैं दोबारा सुनाता हूँ, कोई शख्स दो खजूरें एक साथ मिलाकर मना फरमाएगा, कोई शख्स दो खजूरें एक साथ मिलाकर खाए यहाँ तक कि वो अपने साथियों से इजाज़त ले लें। अब जैसे उस प्लेट में तीन बोटियाँ हैं, ज़रूरी नहीं कि बाकी जनों भी बोटियाँ खाते हों, हो सकता है ना खाते हों, अब उनकी इजाज़त के साथ बाकी तीनों बोटियाँ खा लें, कोई बात नहीं, एग्री कर लिया खा लेगा, लेकिन अगर नहीं किया तो एक से ज़्यादा बोटी खाना मतलब जुल्म की तरफ जा रहा है। अब ये बात आपको ये छोटी सी लग सकती है, लेकिन जो बुराइयाँ होती हैं ना छोटी छोटी सी, उनको कंटिन्यू रखना ये इटसेल्फ एक बड़ी बुराई है। छोटी छोटी बुराइयों पे इसरार करना, उनको कंटिन्यू रखना, ये इटसेल्फ एक बड़ी बुराई है। यानी चलते फिरते लोगों को ऐसी बिला वजह बेइज्जती कर देना, गालियां दे देना, दोस्तों के साथ तजलील वाला मजाक कर लेना, शायद लग रहा होगा छोटी सी बात है, लेकिन जो इंसान ये छोटा अमल करता चला जा रहा है, करता चला जा रहा है, करता चला जा रहा है, तो उसका इस छोटे अमल को बुरा ना समझना इटसेल्फ एक बुरा बड़ा गुनाह हो गया। तो इसलिए इतनी छोटी सी भी चीज़ों में अगर इंसान जुल्म, इंसाफ, जुल्म और एहसान, अगर इन चीज़ों का इंसान छोटी छोटी चीज़ों में भी ख्याल रखना छोड़ दे तो फिर बड़े जुल्म भी करते हुए पता नहीं लग रहा होगा। तो अब आप लोग ना अपने आर्टिकल्स में, खासतौर पर मैं ये बात सीफ एम के स्टूडेंट से करता हूँ, आप इस चीज़ को ज़रा अपने ऊपर अप्लाई करके देखिएगा कि जो आपके मातहत हैं उनके साथ आपका बिहेवियर कैसा है। एक हदीस का मफहूम है, एक्चुअली वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का कॉल है, ये सहाबा की भी हदीस ही कहलाती हैं। ये जो खाना काबा है ना, ये खाना तो खैर वो वैसे कहते हैं काबा है एक्चुअली, ये बहुत इज्जत वाला घर है अल्लाह का। एक आम मुसलमान की इज्जत काबा से ज़्यादा है, एक आम मुसलमान की इज्जत काबा से ज़्यादा है। अब आप इसको अप्लाई करके देखिए कि वो जूनियर्स जो आपके पास भेजे गए हैं कि आप उनको सिखाएंगे, और ज़रा अप्लाई करके देखिएगा कि आप उनके साथ क्या कर रहे होंगे, तजलील कर रहे होंगे, मेल जूनियर होगा तो क्या कर रहे होंगे, फीमेल जूनियर होगी तो क्या कर रहे होंगे, आप सब ने अपने गिरबाने में खुद ही झांक के देखना, ये हकायक हैं जो बता रहा हूँ आपको। अब उसकी जो तजलील कर रहे होंगे आप, इज़्ज़त कम कर रहे हैं ना, काबे से ज़्यादा इज़्ज़त है उसकी। तो इसलिए अपने जो एज ए सीनियर क्लाइंट के जूनियर स्टाफ के साथ, बहुत लोअर स्टाफ के साथ, इनके साथ हमारा रवैया अगर उनकी तजलील कर रहा है तो ये भी जा जुल्म में ही रह गई। क्लास में टीचर का स्टूडेंट के मुताबिक एक एनवायरनमेंट मेंटेन रखना, वो जरूरी नहीं कि जुल्म में जा रहा हूं। हाँ जुल्म में तब बिल्कुल चला जाएगा, बिल्कुल यकीन है जुल्म में चला जाएगा कि क्लास में कोई एक दो स्टूडेंट को टीचर पकड़ ले और उसको सैंड बैग बना ले और आती फायरिंग शुरू हो और सारे उस पर हंसे, ये वाकई बुरी बात है। तो इसलिए मेरी कोशिश एज अ टीचर ये होती है कि मैं उसी को ही मजाक कर रहा हूँ जो खुद भी उसका हिस्सा बन रहा हो खुशी खुशी, और जो ना बन रहा हो और उसको तजलील महसूस हो रही हो तो मैं आइंदा बिल्कुल इससे अवॉइड करने की कोशिश करूँगा। लेकिन इन्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट करना हंसी मजाक एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन तजलील करना यह जुल्म की कैटेगरी में चला जाता है। अगली क्लास में मुलाकात होगी इंशाल्लाह।